पहाड़ी कोरवा परिवार के सामूहिक आत्महत्या मामले में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल विश्वभूषण से मुलाकात करने राजभवन पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल को ज्ञापन के साथ जांच सदस्य टीम की जांच रिपोर्ट सौंपकर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की गई है। प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित भाजपा के अनेक सांसद व विधायक शामिल थे। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं ज्यादातर कोरोना का खतरा छात्रों में फैला हुआ है। आज प्रदेश के मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी में कोरोना विस्फोट हुआ है। यहां पर एक साथ 14 छात्राएं संक्रमित पाई गई हैं। इससे पहले धमतरी में 19 छात्राएं कोरोना संक्रमित मिली थी। मोहला मानपुर में पिछले 24 घंटों में 14 नए केस सामने आए हैं। यह सभी केस गर्ल्स हॉस्टल का है। सभी को होम आइसोलेशन के लिए छात्रावास से घर भेज दिया गया है। बस्तर जिले में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 13 अप्रैल को कांग्रेस के भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। इस कार्यक्रम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने भी विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रखी है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच आज अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। सोमवार को सुबह से ही रायपुर समेत अन्य जिलों में बादल छाए हुए हैं। आज सुबह रायपुर में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। अचानक बदले मौसम से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधड़ के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 52 नए संक्रमित मिले हैं। अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 466 हो गई है। रायपुर में एक्टिव केस सबसे ज्यादा 146 हैं, जबकि बिलासपुर में 52 और दुर्ग में 45 मरीज हैं। राहत की बात यह है कि पिछले 3 दिन में लगातार केस कम आ रहे हैं। वहीं आज राजधानी रायपुर के जिला अस्पताल में आज मॉक ड्रिल हुआ है।